सुंदर के इलाके में पेट्रोल डलवाते हुए कैरेट डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी। आतिशबाजी ने करीब खड़ी दो गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुंदर का इलाका है जहां पर पेट्रोल डलवाते हुए कैरी डब्बे में अचानक आग भड़क उठी, जबकि आतिशबाजी ने करीब खड़ी दो गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सुंदर के इलाके में पेट्रोल डलवाते हुए कैरी डब्बे में अचानक आग भड़क उठी, जबकि आतिशबाजी ने करीब खड़ी दो गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सुंदर के इलाके में पेट्रोल डलवाते हुए कैरी डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी। आतिशबाजी ने करीब खड़ी दो गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 112 को इत्तला दी गई। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। सुंदर के इलाके में पेट्रोल डलवाते हुए ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया था कि कैरी डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी थी। इस सूरत हाल पर डिटेल्स हसन खालिद से जान लेते हैं। जी हसन, ताजिया, ये सुंदर का इलाका है, मराठा रोड, जहाँ पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हुए अचानक कैरी डब्बे में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते करीब करीब दीगर दो गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। और इस दौरान पेट्रोल पंप के जो दो स्टेशन फिलिंग स्टेशन है जहाँ से पेट्रोल डाला जाता है, उन्हें भी अचानक आग भड़क उठी। और आतिशबाजी के बाइस से पेट्रोल पंप की जो इंतजामिया है, पहले उन्होंने अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिश की, बाद में रेस्क्यू 112 ने मौका पर पहुँच कर आग पर काबू पाया है। इब्तदाई तौर पर मालूम ये मिली है कि आतिशबाजी के बाइस से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लाखों से मालियत की जो गाड़ियाँ थी वो जलकर खाक कर हो गई। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियाँ जलकर राख हो गई। हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।